Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear student, today we are going to start second chapter of Accounting for Partnership Firm. This chapter is titled as Reconstruction of Partnership Firm या साझेदारी का पुनर्गठन. जैसा कि हमने previous lecture में study किया कि जो साझेदारी है उसका पुनर्गठन काफी कारणों की वजह से हो सकता है. जैसे अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो वर्तमान साझेदार हैं वो अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करना चाहें, किसी बाह्य व्यक्ति को एज ए पार्टनर वो पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करना चाहे, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट प्राप्त करना चाहता है या किसी पार्टनर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है. इसके अलावा अगर हम किसी दूसरी साझेदारी संस्था के साथ मिलकर एक नई साझेदारी संस्था की स्थापना करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इन सभी दशाओं में हमें पुराने अनुबंध को समाप्त करके एक नया अनुबंध साझेदारों के साथ करना पड़ता है जिससे हमारा आपसी संबंध परिवर्तित हो जाता है और इसी परिवर्तित संबंध को हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं. यहां पर हमें कुछ अकाउंटिंग कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं और उन अकाउंटिंग कैलकुलेशंस का उद्देश्य क्या होता है, ये होता है बेटे कि जिस साझेदार ने त्याग किया है या जिन साझेदारों ने त्याग किया है उनको उनके द्वारा किए गए त्याग का प्रतिफल मिले. और ये प्रतिफल किसके द्वारा दिया जाएगा या किनके द्वारा दिया जाएगा, वो साझेदार जिन्होंने साझेदारों के द्वारा किए गए त्याग को प्राप्त किया है. इसीलिए हमें यहाँ त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ती है. जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है फॉर्म के साथ, दैट इज गुडविल, गुडविल की गणना करनी पड़ती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि जिस साझेदार ने त्याग किया है या जिन साझेदारों ने त्याग किया है उनको कितनी राशि एज अ प्रतिफल एज अ कंसिडरेशन मिलना चाहिए उन साझेदारों ने हु हैव गेन देयर सैक्रिफाइसेस. उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना पड़ेगा यही डिसाइड करने के लिए कि जो सैक्रिफाइस किया है उसका एसेट्स और लायबिलिटी में कितना वैल्यू रहेगा या रिसीवेबल रहेगा उन पार्टनर्स को जिन्होंने त्याग किया है, और इसका भुगतान या इसको वहन किसके द्वारा किया जाएगा, उन साझेदारों के द्वारा जिन्होंने उनके द्वारा या दूसरे साझेदारों के द्वारा किए गए त्याग को प्राप्त क्या है. इसके अलावा जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या प्रीवियस ईयर लॉसेस होते हैं उनको भी हमें बांटना पड़ता है बिफोर एंटरिंग इनटू न्यू एग्रीमेंट. ये सब अकाउंटिंग कैलकुलेशंस करने के बाद हम अपने कैपिटल्स को न्यू प्रॉफिट एंड लो शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं इफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. हियर आई हैव मेंशन इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो. यहां पर जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी. अगर आपको नए अनुपात की गणना करनी है, आपको पुराना अनुपात, त्याग अनुपात और गेनिंग रेशियो दे रखे हैं तो आप नए अनुपात की गणना कर सकते हैं. ऐसे ही अगर आपको पुराने अनुपात की गणना करनी है तो नए अनुपात, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात की सहायता से आप पुराने अनुपात की गणना भी कर सकते हैं, या फिर आपको नए और पुराने अनुपात दिए गए हैं तो आप त्याग एवं प्राप्ति अनुपात की भी गणना कर सकते हैं. यूज द सिंपल इक्वेशन सैक्रिफाइस रेशियो is equal to old ratio minus new ratio. It means if your old ratio was more than what you are gaining now, in that case you must have sacrificed something which has been gained by other partner or other partners. अगर आपका पुराना अनुपात आपके नए अनुपात से अधिक था, इस दशा में आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, और उस त्याग को प्राप्त किसी दूसरे साझेदार ने या दूसरे साझेदारों ने प्राप्त किया है. लेकिन अगर आपका नया हिस्सा आपके पुराने हिस्से से अधिक है तब आपने कुछ ना कुछ प्राप्त किया है, और उस अतिरिक्त प्राप्ति के लिए जो भविष्य में आपको मिलेगी आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी उन साझेदारों को जिन साझेदारों ने आपकी प्राप्ति के लिए त्याग किया है. सो यहां पर आपका जो गेनिंग रेशियो रहेगा दैट विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. हम हमेशा ज्यादा हिस्से में से ही कम हिस्सा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट डोंट वरी इफ यू कम आउट विद द नेगेटिव रिजल्ट्स, इन दैट केस कंसिडर इट अपोजिट रेशियो. जैसे आप लोग सैक्रिफाइस रेशियो की गणना कर रहे हैं और यहां पर आपको जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में मिलता है, इन दैट केस इट वुड हैव बीन गेनिंग रेशियो. इसका मतलब वो गेनिंग रेशियो माना जाएगा. अगर आप गेनिंग रेशियो की इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, इनवर्स आ जाता है, इन दैट केस यू मे हैव सैक्रिफाइस समथिंग. गेनिंग रेशियो का रिजल्ट अगर नेगेटिव में आता है तो वो गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है, और वही सैक्रिफाइस रेशियो का रिजल्ट अगर नेगेटिव में आता है तो वही हमारा गेनिंग रेशियो कहलाएगा. हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लर्न करने का प्रयास करेंगे. हियर आई हैव मेंशन्ड द सिंपल पर्सपेक्टिव. इफ फर्म हैज फोर पार्टनर्स, नेम देम ए बी सी डी,
कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, राम श्याम घनश्याम सरिता गीता, तो चार पार्टनर्स हैं हमारे पास जो अपने लाभ हानि को 4:1:3:2 में विभाजित करते हैं। इट मीन्स वो टोटल जो प्रॉफिट रहता है उसको 10 हिस्सों में विभाजित करते हैं। उन 10 हिस्सों में से 4 हिस्से ए को दिए जाते हैं, 1 हिस्सा बी को, 3 हिस्से सी को और 2 हिस्से डी को दिए जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने निर्धारित किया है कि नए वित्त वर्ष में, न्यू फाइनेंशियल ईयर से, दे विल बी शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अपने लाभ हानि को वो समान अनुपात में बांटेंगे। दैट मीन्स अगर वो 4 पार्टनर हैं, देन 1/4 ईच, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। बेटे जो प्रॉफिट हमारा होता है, चाहे वो कितना भी है, चाहे वो 50,000 है या 50 करोड़ है, उसको हम 100% हमेशा मानते हैं। तो अब यहां हमें गणना करनी पड़ेगी कि कौन से साझेदार ने कितना त्याग किया और उसके द्वारा किए गए त्याग को कौन से साझेदार ने या किन साझेदारों ने प्राप्त किया। जिस साझेदार ने प्राप्त किया है नया हिस्सा, ज्यादा हिस्सा, अतिरिक्त हिस्सा, उसको भुगतान करना पड़ेगा उस साझेदार को या उन साझेदारों को जिन्होंने अपने हिस्से का त्याग उसकी प्राप्ति के लिए किया है। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। हियर आई एम अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अगर मैं यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो की इक्वेशन को अप्लाई करता हूं, रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ जाता है, इन दैट केस आई वुड कंसिडर इट गेनिंग रेशियो। हियर ओल्ड रेशियो, व्हाट वाज माय ओल्ड रेशियो, 4/10। मुझे 10 में से 4 हिस्से मिलते थे, इट विल बी रिटन एज 4/10। अब मुझे कितना मिलेगा, 1/4। नया अनुपात मेरा रहेगा 1/4, मुझे 4 में से 1 हिस्सा जो कि बराबर है वो मिलेगा। This is going to be LCM 20:2, 8-5. That means I have sacrificed 320. 3/20 मैंने त्याग किया है और वो त्याग कौन से साझेदार के लिए किया है या किन साझेदारों के लिए किया है मुझे पता चल जाएगा जब मैं बाकी साझेदारों के अनुपात की गणना कर दूंगा। Here I do have B. अब B का जो हमारा पुराना अनुपात है that was 1/10 and new ratio is 1/4. Here again we are going to have LCM 20:2-5. ये रिजल्ट हमारा नेगेटिव में है 3/20। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं that what A has sacrificed has been gained by B. जितने हिस्से का त्याग A ने किया है उतने हिस्से की प्राप्ति B ने की है। So यहां B के द्वारा A को भुगतान किया जाएगा और ये कलेक्टिव हमारी पेमेंट होती है, इंडिविजुअल पेमेंट नहीं होती है। इसके लिए हमें सभी साझेदारों के त्याग एवं प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले। लेट्स सी अबाउट सी, पुराना अनुपात 3/10 एंड न्यू रेशियो अगेन गोइंग टू बी 1/4। LCM 20, हियर वी आर हैविंग 6-5, दैट मीन्स 1/20। 1/20 हिस्से का त्याग किया गया सी के द्वारा। एंड व्हाट अबाउट डी, डीज ओल्ड रेशियो वॉज 2/10 एंड न्यू रेशियो इज गोइंग टू बी 1/4। हियर सी 20:4-5, दैट मीन्स 1/20 एंड दैट इज नेगेटिव। जितने हिस्से का त्याग सी ने किया उतने ही हिस्से को प्राप्त किया डी ने। सो अगर हम इस सेक्रीफाइस को और गेन को एडजस्ट करें एंट्री के थ्रू ये डिटरमाइन करने के बाद कि त्यागे गए हिस्से का मूल्य क्या रहेगा या प्राप्ति के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा, वो जो हमारे बाकी अकाउंटिंग कैलकुलेशंस हैं जैसे गुडविल की वैल्यूएशन करने के बाद, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के बाद, तब हमें पता चलेगा कि किस साझेदार को कितनी राशि का भुगतान कौन से साझेदार को करना है। वो हम कलेक्टिव एंट्री के थ्रू करते हैं। यहां पर जिन साझेदारों ने गेन किया है देयर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स आर टू बी डेबिट। जिन साझेदारों ने गेन किया है उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं, और जिन साझेदारों ने त्याग किया है उनके कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। हियर वी आर गोइंग टू राइट आवर जनरल एंट्रीज, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी इन दोनों साझेदारों ने त्याग किया है ए और सी ने, सो देयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, वेयर एज बी कैपिटल अकाउंट एंड डीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। यहां हम एंट्री पास करेंगे बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री रहेगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विद कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियोज।
Students, here we are having another problem that will make us more familiar with calculation of new ratio, sacrificing ratio and gearing ratio. In this case, we are having four partners, namely A, B, C and D. Earlier, they were sharing profit and losses equally, but looking into the efforts of C and D, A and B decided to sacrifice some part from their existing ratio in favor of C and D. बेटे शुरू में A, B, C, D अपने लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांट रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखते हुए कि जो C और D साझेदार हैं, वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस अफेयर्स, A और B ने डिसाइड किया कि A अपने वर्तमान हिस्से से 1/4 हिस्सा किसको देगा, 1/4 हिस्सा देगा C को, और वहीं B अपने हिस्से में से 1/2 दैट मीन 50% हिस्सा देगा किसको, D को. सो यहां सबसे पहले हमें त्याग की गणना करनी पड़ेगी जो A और B के द्वारा किया जा रहा है. उस त्याग की गणना करने के पश्चात हमें A और B के पुराने अनुपात से उस त्याग को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि उनका नए अनुपात हम कैलकुलेट कर पाए, और वहीं उनके द्वारा किया गया त्याग C और D के लिए C और D के पुराने अनुपात में ऐड किया जाएगा ताकि हमें C और D का नया अनुपात भी मिल जाए. Here, very first we need to calculate sacrifices that are to be made by A and B. Thereafter, we will be calculating new ratios for A, B, C and D by subtracting sacrifices made by A and B from their old ratio and adding those sacrifices to the old ratios of C and D respectively. यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन करते हैं. सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए एंड बी. ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ही विल सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ, ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, अपने हिस्से का 1/4 वो सेक्रीफाइस करेगा, और उसका वर्तमान हिस्सा कितना है, दैट इज 1/4. 1/4 ही है उसका ओल्ड शेयर, इसमें से 1/4. 1/4 का 1/4 100% नहीं होता बेटे, 1/4 जो है उसको हम 100% मानेंगे जो उसका हिस्सा है, और उसका 25% दैट मीन्स 1/4 सेक्रीफाइस किया जाएगा, दैट मीन्स 1/16. ये ए का सेक्रीफाइस करेगा, ए अपने 1/4 हिस्से में से 1/16 हिस्सा किसको दे रहा है, सी को दे रहा है. सो सी के हिस्से में हम इस 1/16 को ऐड करेंगे, और ए के हिस्से में से हम इस 1/16 को लेस करेंगे, सो हमें ए का नया अनुपात भी मिल जाएगा. व्हाट अबाउट सेक्रीफाइस ऑफ बी, बी अपने हिस्से का 50% या हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है डी के लिए, दैट मीन्स 1/8. ये सेक्रीफाइस है हमारा ए और बी के द्वारा किया गया. अगर यहाँ आप सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करना चाहें, इन दैट केस सेक्रीफाइस रेशियो वुड बी एलसीएम, टेक देयर एलसीएम 16, इट मीन्स 1:2, 1/2 यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो रहेगा बिटवीन ए एंड बी, और वही गेनिंग रेशियो रहेगा सी और डी के बीच में. अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो. ए का नया अनुपात क्या रहेगा, पुराना अनुपात 1/4 माइनस सेक्रीफाइस, उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/16. हेयर 16 इज गोइंग टू बी द एलसीएम 4-1, उसका नया हिस्सा रहेगा 3/16. बी इज न्यू शेयर, ओल्ड रेशियो 1/4, सेक्रीफाइस 1/8. इन्होंने 1/8 सेक्रीफाइस किया है, इन दैट केस न्यू रेशियो विल बी 1/8, इनका नया अनुपात रहेगा 1/8. अब हमें सी और डी का नया अनुपात कैलकुलेट करना है. फोर सी एयर यू कैलकुलेट 1/4 हमारा ओल्ड रेशियो है, अगर ओल्ड के अंदर हम गेन को ऐड कर दें, गेन किसने किया है, सी ने किया है, और कितना गेन किया है, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया है, दैट मीन्स वी नीड टू ऐड हियर 1/16. सो हमारे सी का नया अनुपात कितना रहेगा, 4+1 दैट मीन्स 5/16. सी का अनुपात रहेगा 5/16. वही डी का नया अनुपात क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो है 1/4+1/8, जिसका त्याग किसने किया है, बी ने किया है. तो यहां नया अनुपात कितना रहेगा बेटे, 8/2+1, 3/8. यहां हमारा नया अनुपात कैसे आ गया, ए का नया अनुपात रहेगा हमारा 3/16, वही बी का हमारा नया अनुपात रहेगा 1/8, सी का नया अनुपात हमारा रहेगा 5/16, और डी का हमारा नया अनुपात रहेगा 3/8. दीज आर गोइंग टू बी द न्यू रेशियो. हियर यू कैन टेक एलसीएम, आप एलसीएम यहां ले सकते हैं 16,
That means 3:2:5:6. 3:2:5:6. ये नया अनुपात रहेगा ए बी सी और डी के मध्य। इस तरह से आप लोग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो विच आर रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस गेनिंग न्यू और ओल्ड रेशियो। आई एम श्योर दैट यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर टू द लार्जर एक्सटेंट। इफ इट इज सो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस एंड यू मे कमेंट टू अस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंजॉय योर डे, गिव प्रॉपर टाइम टू योर स्टडीज। सी यू वेरी सून।